बीजेपी का 3 दिवसीय सघन सदस्यता अभियान शुरू हो चुका है। 50 लाख सदस्य बनाने में जुटी है भारतीय जनता पार्टी। आज से बीजेपी का 3 दिवसीय सघन अभियान शुरू। सबसे पहले मुख्यमंत्री नायब सैनी ने ली सदस्यता। हरियाणा के रणबीर गंगवा का कांग्रेस पर निशाना। बोले, हरियाणा में अब खात्मे में की तरफ जाएगी कांग्रेस। पार्टी है कहाँ? कांग्रेस पार्टी नहीं है, कांग्रेस तो अलग अलग गुट है। और यही कारण है कि ना तो उनका संगठन बन पा रहा, ना आप विपक्ष का नेता कोई चुन पा रहे। तो इसलिए अलग अलग गुटों में बटी हुई है। और आप देखना आगे आने वाले टाइम के अंदर कांग्रेस पार्टी तो और जो है नीचे जाएगी, और धरातल में जाएगी, क्योंकि उनका। हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा को उनके कॉलेज ने किया सम्मानित। बोले, शिक्षा के बुनियादी ढांचे को सुधारना मेरा पहला काम। मंत्री का दावा, दिल्ली एनसीआर के सर्वश्रेष्ठ कॉलेज से शिक्षा देने का लक्ष्य। इंस्टीट्यूशन बन रहे हैं, हमारी यूनिवर्सिटीज में बढ़ोतरियां हुई है, अच्छी ग्रेड की यूनिवर्सिटीज बने, उस पर हम लोगों को काम करना है। अच्छे हमारे एलिमेंट्री के स्कूल हो, हायर एजुकेशन हमारी अच्छी हो, उसमें गुणवत्ता। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष दबा ने विधानसभा चुनाव में ईवीएम का खेला होने का लगाया आरोप। दीपक बावरिया को भी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को हुए नुकसान के लिए ठहराया जिम्मेदार। हुआ है जिसके हम तय में जाने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार बनी है अभी, सरकार तो पहले भी थी, लेकिन कोई सरकार का कोई काम तो है जिसके बारे में कोई याद किया जाए। जो मुद्दे थे आज भी जस के तस है। दबा ने दीपक बाबरिया पर साधा निशाना। बोले, संगठन विस्तार की सूची को दीपक बाबरिया ने दबाए रखा और संगठन विस्तार नहीं हो सका। तरफ से सारी सूचियां भेज दी और वो वहां पर पहुंची नहीं, और वो बीच में कहां अटके उसके तो जवाब दीपक बाबरिया जी दे सकते हैं कि वो सूचियां क्यों नहीं गई। हमने जब मीटिंग हुई थी राहुल जी के सामने, खड़गे जी के सामने, तब भी मैंने कहा था। उगते सूर्य को अर्घ देकर हुआ छठ पूजा का समापन। गोहाना में श्रद्धालुओं ने पानी में खड़े होकर गंगा मैया की पूजा की। 36 घंटे का निर्जला व्रत रखने के बाद खुला किया व्रत। आस्था और पवित्रता का ये महापर्व, इन लोगों को छठ पूजा की बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। देख रही हूँ अपने महापर्व को कितनी धूमधाम और कितनी पवित्र भावना से मनाते हैं। इतने ठंडे पानी में खड़े होकर ये पूजा कर उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ पर्व छठ का हुआ समापन। यमुनानगर में छठ घाटों पर दिखे श्रद्धालुओं की भीड़। छठी मैया व्रतियों ने कहा कि बच्चे पति की लंबी आयु के लिए रखा था व्रत। हमारे परंपरा चले आए हैं वर्षों से, जो हम लोग नहाए खाए से चालू करते हैं। 4 दिन के पर्व होते हैं और तरफ है निर्जला व्रत करते हैं। इनके करने से घर में समृद्धि सुख शांति आते हैं और बहुत महिमा है इनकी। 4 दिन के बाद इनकी कृपा से हमने बहुत उत्साहित। मुख्यमंत्री नायब सैनी के आदेशों पर अंबाला में लगा रहा समाधान शिविर। जनता की समस्याओं का हो रहा समाधान। 200 से अधिक लोगों की समस्याओं का मौके पर हुआ निपटा। तक समाधान शिविर लगा रहे हैं, इनमें हम प्रतिदिन आम दिन की समस्याओं को सुलझा रहे हैं। 7 नवम्बर 2024 तक हमारे पास 6 साल से पराली प्रबंधन कर किसानों के लिए मिसाल बनाई यमुनानगर का किसान राजेश। का पराली को खेत में मिलाने से पैदावार में हुई वृद्धि। खाद पर भी नहीं करना पड़ रहा है अतिरिक्त खर्च। यमुनानगर के किसान राजेश की सरकार से मांग है कि फसल अवशेष प्रबंधन करने वाले किसान को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि में की जाए बढ़ोतरी। नुकसान कुछ नहीं है, इससे हमारी खेत में खाद की लागत भी कम आती है और हमें जो फसल की निकासी है उसमें बहुत। गोहाना चींद रोड पर खाद और बीज की दुकान पर छापेमारी। कृषि विभाग के अधिकारियों ने मारा छापा। कंसर्न लैब से जो भी सैंपल फेल आता है, कंसर्न जिम्मेवार कंपनी और उसका जो रिस्पॉन्सिबल प्रोपराइटर होता है। गोहाना में कृषि विभाग के अधिकारियों का पराली पर बयान। बोले कि पराली जलाने के मामले में आई है कमी।